23 तारीख से कार्तिक मास में होने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर लगने वाले कपाल मोचन मेले को लेकर अम्बाला रोडवेज ने भी श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए विशेष प्रबंध देने शुरू किए हैं। अम्बाला कैंट बस स्टैंड से श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। मेले के चलते कर्मचारियों और होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है ताकि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आपको बता दें कि कपाल मोचन मेले की शुरुआत हो चुकी है। कपाल मोचन मेले में पंजाब और दूसरे राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए अम्बाला रोडवेज ने भी अपनी सुविधा के लिए अम्बाला कैंट से मेले के लिए स्पेशल बसें चलाई हैं। जानकारी देते हुए बस स्टैंड इंचार्ज अजीत ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार अड्डे पर अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर 23 बसें खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या अनुसार मेले में हम स्पेशल बसें भेज देते हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई गई है। किसी श्रद्धालु को कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए कैंट बस स्टैंड अड्डे पर अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, हमारी स्टैंड पर अभी 3 बसें खड़ी हैं। जैसे ही श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या अनुसार हम स्पेशल बसें मेले में भेज रहे हैं। तो इसके लिए और क्या क्या व्यवस्था की गई है यात्रियों के लिए? यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसें लगाई गई हैं, अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया, होमगार्ड की तैनाती है ताकि कोई किसी यात्री के साथ कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े।